आफ्टरवर्ड्स ज्वाइन होते हैं ना, तो वो क्या करना, थोड़ा स्किप कर देना क्योंकि लिंक शेयर करना होता है ना, इसीलिए। तो वंस मैं बता रहा हूँ, जो बाद में देखते हैं ना वीडियो या आफ्टरवर्ड्स जो लाइव सेक्शन में रहते हैं, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना 1-2-3 मिनट, उतना देख लो कहाँ पे मैं स्टार्ट हो रहा हूँ, वहाँ से चालू कर देना। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी ज्वाइन होने क्या होता पता नहीं आज। जो आफ्टरवर्ड्स वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए नोटिस है, वीडियो थोड़े देर से क्लास नहीं लिया इसलिए सॉरी, क्योंकि कल बहुत प्रॉब्लम आ रहा था नेट का इसीलिए। तो 1-5 मिनट रुकता हूँ क्योंकि सभी ज्वाइन हुए, बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए ज्वाइन क्यों नहीं होती पता नहीं सकते। वालेकुम अस्सलाम। तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलो यार जल्दी ले ज्वाइन है, क्योंकि बाद में पूछते सवाल फिर कंफ्यूज कर लेते बैठे। अभी तो 7 ज्वाइन हुए, तो और थोड़े ज्वाइन हुए बाद में लेता हूँ। और 1-2 तो में ये क्यों नहीं जान लेते, फिर बाद में सवाल पूछते हैं, फिर ये कैसा है वो कैसा है समझा करते। तो अभी तक किसी को जो पहले प्रीवियस प्रॉब्लम से वो समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हो तब तक, और थोड़े ज्वाइन हुए तक। तो 35 8:35 को स्टार्ट कर देता हूँ, तो और थोड़े ज्वाइन होए तक रुकता हूँ। तो जो वीडियो बाद में देखते हैं ना, तो वो क्या करना, थोड़ा स्किप कर देना और उसके अंदर देखना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो वॉइस सब क्लियर है ना, तो कल कैसा प्रॉब्लम नहीं ना, कल बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, अटक अटक रहा था। तो आज का क्वेश्चन क्या है,
ऑड वन नंबर। ओके, तो ऑड वन नंबर क्या होता है, जैसे कि अगर आप 10 के क्लास में हो तो 10 के बच्चे सपोज 3 बच्चे हैं और उसमें एक प्रेजेंट है 9 का बच्चा। ओके, तो वो क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें 10 के बच्चे होने चाहिए थे, तो उसमें एक बच्चा कौन सा हुआ, 9 का हुआ, तो वो क्या होता है, ऑड होता है। अभी आरटी ज्वाइनर में कितना टाइम लेते हैं ज्वाइन होने, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे को पता नहीं, खाली एक मैसेज डाल देता हूँ, आओ जल्दी, नहीं तो स्टार्ट। कि जितने ज्वाइन हुए उतने लाइव चैट में इंटरेक्ट करो। ओके, तो मतलब आप भी आंसर लिखोगे ना तो मुझे आसानी होगी कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उससे पता चलेगा मुझे। और एक सेकेंड, और 1 मिनट, 10:08:35 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। तो एग्जांपल सपोज, सेटिंग है, एक दिन नहीं लिखा तो भी थी बकवास सारी। ठीक है, तो एग्जांपल सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो इसमें वैल्यूज़ क्या, मेरे पास है यहाँ पे 2 है, और उसके बाद में मेरे पास वैल्यू है 2, 3, 2, उसके बाद में कॉमा 3, 4, 6 है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन है। ओके, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया जाता है कि ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए, तो यही ऑप्शन रहता है इसमें से, मतलब जैसे 2, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है हमारा 6। तो हम लोग को क्या करना होता है कि इसमें फाइंड आउट करना होता है कि इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है, मतलब ऑड नंबर कौन सा है। तो आप देखने के साथ में आप इजिली पता बोल सकते हो, 2 और 3 के बीच में गैप कितना है, 1 का गैप है, 4 और 3 के बीच में गैप कितना है, 1 का गैप है, बट 6 और 2, 4 के बीच में गैप कितना है, 2 का। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 6 है ना ऑड नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर शीट आएगा OMR शीट, उसमें हम लोग मार्क करेंगे 6 को। ओके, सिक्स के हमारा ऑड नंबर है, तो इसे हम लोग मार्क करेंगे। ओके, तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है ओरिजिनली। तो क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, तो 340, और उसके बाद में यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है और उसका डायरेक्टली ऑप्शन है, तो ऑड नंबर में क्वेश्चन नहीं होता है। 340, और उसके बाद में ऑप्शन बी है मेरे पास में यहाँ पे 122, और ऑप्शन सी है मेरे पास में 213, और ऑप्शन डी है 62। ओके, तो कुछ इस तरीके से सम दिया है और हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है, तो ऑड नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। हम लोग किसे कैसे फाइंड आउट करेंगे वेरी इजीली, तो यहाँ पे करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है, ऑड कैसा आएगा। तो एक 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 सॉल्व करेंगे, तो एक मैं हिंट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हिंट फॉलो करना, यन यन क्यूब -3, तो ये हिंट है। अगर हम लोग ये हिंट यूज़ करेंगे तो हम लोग को ईजिली ये फाइंड आउट होगा ये सम। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट वन कैसे वैल्यू मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, 340 है, तो 340 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 340 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 340 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे कि पहले करूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने एन का बताया ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7³ - 3, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ओके, 3434, ये क्या लिख रहा हूँ, 343 -3, क्योंकि
यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया ना, तो 7 340 हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो कैसी वैल्यू आ रही है, 7 को क्यूब कर रहे हैं उसके बाद में -3 कर रहे, तो 343 -3 करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 340। ओके 340 मिल जाएगी। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 121 है ना, 122, तो 122 हम लोग क्या करेंगे अभी, क्या था क्वेश्चन, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी, तो 122 को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ऑप्शन बी ऑप्शन सी डाल दिया क्या, ये जाने कुछ नहीं होता। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये यह आएगा पाई क्यूब, ओके बस बाय मिस्टेकली मैंने ये वाला सी लिख दिया, ये ऑप्शन बी है। ओके यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि बच्चे जो आने हुए वो देख रहा था और उसके गड़बड़ में मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी है ना, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी करेक्ट लिखा था शायद। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 213, 213, और उसको मैं सॉल्व करूँगा, तो 213 को कैसे लिख सकता हूँ, 6³ - 3, तो 6 का क्यूब कितना है, 216, 216 - 3 करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 213, 213 मिलती है। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 122 है, तो 122 को कैसे लिखना है, 5³ - 3, तो 5 का क्यूब कितना है, 125 है, और -3 करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 122। और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट वैल्यू थी 62, तो 62 क्या करना है यहाँ पे, 4 का क्यूब करना है और -3, और उसके बाद में 4 का क्यूब कितना है, 64 आता है, और -3 करोगे तो आंसर कितना आ रहा है आपको, 62 61 आएगा, यहाँ पे 61 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये लास्ट नंबर है ना 61, ये रॉन्ग नंबर है, तो कैसे आंसर मिल रहा है यहाँ पे देखो ये, तो हम लोग क्या करेंगे एग्ज़ाम में ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, तो वहाँ पे OMR शीट में ऑप्शन डी जो रहेगा ना उसको मार्क करेंगे, क्यों, 62। अच्छा जोड़ेंगे ये, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया था उन्होंने, तो ऑप्शन ए, तो क्वेश्चन क्या था, 340, और उसके में ऑप्शन बी था 213, ऑप्शन सी है 122, और ऑप्शन डी है 62। तो हम लोग को करना होता क्या है, इसमें फाइंड आउट करना होता है कि ऑड नंबर कौन सा है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखो, तो जो क्वेश्चन दिया रहता है एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे, उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 340 थी, तो 340 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7³, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, देखो एन 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 के वैल्यू में हम लोग को एक 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 वैल्यू पुट अप करना है, बाद में क्यूब करना है -3, तो ये मैंने खुद से बनाया, तो ये कैसे हम लोग ने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 3430 है, तो जैसे मैंने ग्रुप में एक चार्ट भेजा था, मैंने कहा था याद कर लो करके, तो उसमें क्या था, 343 क्या है, 7 का क्यूब है, उसके बाद में आप देखोगे 213 वो क्या है, नियर टू 216 है, तो वो क्या हो रहा है, सब ये क्यूब हो रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो थिंक करेंगे क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी है, तो हम लोग हमारी एबिलिटी चेक कर रही है, तो हम लोग ने एक सिमिलर एक फॉर्मूला बना दिया है यहाँ पे, n³ - 3, तो हम लोग को फर्स्ट वैल्यू क्या करें, 7³ कर रहे हैं, 7 का क्यूब कितना है, 343 है, 343 -3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 340। ओके तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है, 213, तो 213 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 का क्यूब कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, तो 6 का क्यूब कितना है, 216 है, और -3 करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 213। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 122 है, तो 122 को क्या किया, 5 का क्यूब किए -3, और उसके बाद में हम लोग को आंसर कितना मिला यहाँ पे, 125, 125 -3 करोगे तो आंसर कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे है ना 122, बट यहाँ पे हम लोग सेम 62 को कर रहे हैं, तो 4³ - 3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 64 आया, और -3 किया तो हम लोग को आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, 61 आ रहा है, बट आना कितना चाहिए था, 62, बट आ कितना रहा है, 61, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑप्शन डी है ना, ये अलग ही नंबर है, ऑड नंबर है, क्योंकि बाकी सबका हम लोग को आंसर मिल रहा है, तो ये फॉर्मूला से हम लोग को बाकी सबका आंसर मिल रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग n³ - 2 करते तो इसका आंसर मिलता है, जैसे कि 4 का क्यूब है 64, 64 -2 करोगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा, 62। ओके तो समझ में आया ये प्रॉब्लम, नेक्स्ट बताओ, तो अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।
तो किसी को डाउट है या नेक्स्ट समझाऊं अभी? उतना बस नेक्स्ट करके उतना टाइप कर देना, तो नेक्स्ट बता दो। क्या हो रहा है भैया? यस सर, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊं? रिपीट अगेन, थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि प्रीवियस प्रॉब्लम एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे एक सम दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, 2 है, 3 है, फिर 4 है और उसके बाद में 6 है। तो हम लोग को क्या करना है, बस डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसमें मैंने डिफरेंस कितना फाइंड आउट किया, 3 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का गैप है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 और 4 का गैप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और 4 और 6 का गैप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 6 हमारा ऑड है। अगर यहाँ पे जैसे आपको भी पता है 2, 3, 4 उसके बाद में 5 वैल्यू, ये वैल्यू आनी चाहिए थी। अगर 5 वैल्यू होती तो ये नंबर करेक्ट होता, बट 5 वैल्यू नहीं आ रही, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये नंबर रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन रॉन्ग है। तो 6 क्या हुआ हमारा, रॉन्ग हो गया। तो 2, 4, 3 ऐसे ये करेक्ट हुआ, बट 6 आ रहा है इसलिए ऑड हो गया। ओके, तो जैसे कि अगर 10 का क्लास है, तो ये भी सपोज ये भी 10 का बच्चा है और ये भी 10 का बच्चा है और ये भी 10 का बच्चा है, पर उसके बीच में घुस गया 9 का बच्चा, तो ये क्या हुआ, ऑड हो गया। तो इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो इसको मार्क करेंगे। तो उसी की तरह से ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया था, ए ऑप्शन दिया है 340, ऑप्शन बी दिया है 213, ऑप्शन सी है 122 और ऑप्शन डी है 62। तो मैंने क्या कहा कि ये फॉर्मूला यूज़ करो। तो ये फॉर्मूला कब मिला, कि मैंने जब सॉल्व किया उसके बाद में मिला, तो एग्जैक्टली स्टार्टिंग में नहीं मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, 340 है, तो क्वेश्चन ही लेना है हम लोग को और सॉल्व करना है। तो मैंने कहा था कि क्यूब रूट के या स्क्वायर रूट के पास में आता है, वो चेक करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्यूब रूट के पास में आ रहा है। अगर हम लोग 7 का क्यूब रूट लेते हैं, तो 7 का क्यूब रूट क्या है, यहाँ पे 343 है। तो 343 को अगर -3 करते हो तो हम लोग को 340 मिल जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो मैं ले सकता हूँ यन की 7 एज यन, तो उसको मैं क्यूब कर रहा हूँ, उसको बाद में -3 कर रहा हूँ, तो हम लोग का आंसर इजीली फाइंड आउट हो रहा है। तो मैंने ये एक बेसिकली फॉर्मूला बना लिया मेरे लिए और इसमें मैंने वैल्यू पुटअप किया। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, 213 थी, तो यहाँ पे 6 क्यूब है, तो 6 क्यूब -3, तो 6 का क्यूब कितना है, 216 है। -3 करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 213। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 122 है, तो 122 हम लोग अब करने वाले 5 का क्यूब, 5 क्यूब -3, तो 5 का क्यूब कितना है, 125 है। और 125 -3 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 122 आएगा। ओके, तो और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 62, तो 62 को कैसा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज है 7, 6, 5, 4, तो ये इसी हिसाब से जाना है हम लोग को। तो 7 के बाद में डायरेक्ट 8, 9, उसके बाद कुछ भी ऐसा रैंडम वैल्यू नहीं देना है, बट देखना है हम लोग को करेक्ट सीरीज है क्या नहीं, उसके हिसाब से जाना है। ओके, और इसके बाद में हम लोग को यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 4 क्यूब, 4 क्यूब -3 करोगे तो आपको मिलेगा 64, 64 -3 करोगे तो आपको आंसर आया यहाँ पे 61, बट आना चाहिए था 62। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, 4 क्यूब -2 करोगे तो ये आपको आंसर मिलेगा 62। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ऑड नंबर है। ओके, 62 इज़ अ ऑड नंबर। सर टीचर टू ऑन 16 जनवरी, बट यू टोल्ड दैट ना एग्जाम ऑन 16 दिसंबर। नहीं, मैंने 16 दिसंबर बोला ही नहीं कभी, 16 जनवरी को एग्ज़ाम है, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। तो एक्सटेंड हुआ था 10 दिन, मतलब 30 को लास्ट था, 30 नवंबर को एग्ज़ाम फॉर्म का, और उसके बाद में 10 डेज एक्सटेंड हुआ, और उसके बाद में अब 10 डेज एक्सटेंड है ना। तो आज की डेट क्या है, आज शायद लास्ट होगा डेट, आज या कल लास्ट है, और उसके बाद में अब 16 जनवरी को फर्स्ट पेपर है। मतलब एक ही दिन में दोनों पेपर होता है, एक मॉर्निंग में होता है, एक इवनिंग में होता है। तो मेरा टाइम टेबल भी ग्रुप में भेजा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ज़्यादा फास्ट हो गया तो बोल दो, थोड़ा स्लो करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरे पास यहाँ पे 121, ऑप्शन बी है मेरे पास 216, ऑप्शन सी है, ऑप्शन 196, ऑप्शन सी 216, ऑप्शन डी है 256। ओके,
तो बस ये ऑप्शन है डायरेक्टली, और इसमें से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास 121 है। तो इसमें मैं तो इसमें एक डिफरेंट मेथड है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, 121 11 का है, बाद में 19 का है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। ये 12 का स्क्वायर है और मतलब क्यूब रूट स्क्वायर रूट देखो, ये 11 का स्क्वायर है, बाद में ये इसका है। पर इसमें ट्रिक क्या यूज़ किया है इन्होंने, ओके 1 + 2 + 1 करोगे तो आंसर कितना है आपको, 4 मिला। ओके और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 196। तो 196 क्या है, 1 + 9 + 6, तो ये क्या हुआ अब 16। ओके और नेक्स्ट वैल्यू तो 216, तो 2 + 1 + 6 इक्वल्स टू क्या हुआ, 9। और इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे 256, तो ये क्या हो रहा है, 2 + 5 + 6, तो ये 13 हुआ। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। ओके और 13 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ऑड नंबर हुआ, 256 ऑड है। ओके तो ये एक मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है समझ में आया ये कैसे हम लोग ने सॉल्व किया। तो तब कमेंट कर दो लाइव चैट में कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं सिखा लेते जाऊंगा और बाद में आपको समझा नहीं तो प्रॉब्लम। यस और नो तो टाइप कर यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 ये जल्द कम बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए है 54, ऑप्शन बी 1 ठीक है 64, ऑप्शन और ऑप्शन सी है मेरे पास में 174, ऑप्शन डी है और 294। ठीक है तो क्या समझ में आ रहा है, ऑप्शन तो ये हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट में, तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो फॉर्मूला अप्लाई किया मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई है n² + 5, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम लोग को ईजिली आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 54 है, तो 54 में क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49 है। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग को ईजिली देख सकते हैं, 7 के स्क्वायर कितना है, 49। तो 49 प्लस 5 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 54। ठीक है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 64 है ना, तो 64 को हम लोग क्या करेंगे अभी, 8² + 5, 8 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 64 ही आ रहा है, 64 + 5 के तो आंसर आया 69। ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, रॉन्ग हो रहा है। ओके हम लोग ने 8 का स्क्वायर किया प्लस 5 किया तो 64 + 5 किया 69 आया। ये हमारा मेथड राइट है या नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग अभी आगे का सम सॉल्व करेंगे। ओके 174 क्योंकि ऐसा रॉन्ग नंबर ऐसा ज़रूरी नहीं कि लास्ट में आ सकता है, तो बीच में भी आ सकता है ना। तो अब सब वैल्यू एक टाइम चेक करना है, तो 13 का स्क्वायर कितना है, 13² + 5, 13 का स्क्वायर है 169 प्लस अगर आप 5 करोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 174। तो ये वैल्यू भी मिल रही है मुझे ये फॉर्मूला से। तो नेक्स्ट वैल्यू हम लोग चेक करेंगे अब, 294, तो 17² + 5, 17 का स्क्वायर है 289 प्लस 5 करोगे तो आंसर आपको मिल गया 294। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑप्शन यही है, ऑप्शन रॉन्ग आंसर है, सभी वैल्यू मिल रहे बट इस वैल्यू को छोड़ के। तो कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन बी इज अ रॉन्ग आंसर। तो समझा देता हूँ, तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, 54 है, उसके बाद में 64 है, 174 है और 294 है। तो हम लोग ने क्या किया, तो फर्स्ट सम देखा, तो 54 क्या हो रहा है, नियर टू
7 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 49 है, 49 प्लस 5 करो तो 54 मिलता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग ने ये अप्लाई किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है हमारा 64, प्लस 5 करो तो 69 आ रहा है। तो हम लोग को क्या लग रहा है कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रॉन्ग हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग ने नेक्स्ट सम प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो हम लोग ने यहाँ क्या किया, 174 को लिया और 174 के नियर टू स्क्वायर कौन सा आ रहा है, 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर प्लस 5 किए तो हम लोग को कितना वैल्यू मिल रहा है, 169 प्लस 5 तो 174। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये फॉर्मूला अभी तक करेक्ट चल रहा है। और नेक्स्ट वैल्यू चेक किया हम लोग ने तो 294 है, 294 में 17 स्क्वायर किए, 17 का स्क्वायर कितना है, 289 है, 289 प्लस 5 करोगे तो 294, तो 294 के तो यहाँ पे हम लोग को सभी वैल्यू मिल रहे हैं। तो जैसे कि 174 मिला, 294 मिला और 54 भी मिल गया, बट 69 नहीं मिल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑप्शन बी इज आवर रॉन्ग आंसर, मतलब ऑड नंबर है। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम, तो मैसेज लिख के डिलीट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ओके। लाइव चैट में क्या करने वाली और डिलीट करके, नेक्स्ट समझो। तो समझ में आया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम समझाऊँ क्या, उतना कमेंट करते हो, आया समझ में, शुक्रिया मैसेज टाइप करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, तो ऑप्शन ए है मेरे पास 144, ऑप्शन बी है मेरे पास 196, एंड सी 225, ऑप्शन डी 324। तो ऑप्शन नेक्स्ट सर, आपको कैसे पता चला कि ये नंबर क्यूब लेकर प्लस 5 करना है, वो बोलकर। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे क्यूब लेना है उसके बाद में प्लस 5 करना है, तो मैंने पहले भी बताया, वापस बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये दोनों याद कर लो। तो सभी हम लोग ने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या हुआ कि क्यूब रूट आया, तो ये प्रॉब्लम में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। तो हम लोग ने कैसे फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे 54 है, तो 54 को नियरली कौन सा आ रहा है स्क्वायर रूट वो देखना है। एक तो 64 हो सकता है, एक तो 49 हो सकता है, या क्यूब रूट करें तो 84 को होता है। बट हम लोग जब क्यूब रूट करेंगे तो हम लोग को ये वैल्यूज़ नहीं मिलते, 174 नहीं मिलेगा, 294 नहीं मिलेगा, ओके। तो क्यूब रूट बहुत दूर ज़्यादा चला जाता है उसमें, जैसे कि हम लोग ने अगर 5 का क्यूब रूट किया तो बहुत आगे चला गया, तो इसलिए हम लोग को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 54 है ना, तो नियर टू क्यूब रूट किसका है, 49, 49 प्लस 5 किया तो मुझे 54 मिल रहा है। तो 49 का उतना पता चला मुझे कि ये नियर टू है, उसमें 5 ऐड किया तो मुझे पता चल गया कि 54 है। तो अपन यहाँ पे रॉन्ग हो रही वैल्यू, तो इसीलिए मैं वंस मोर चेक कर रहा हूँ नेक्स्ट वैल्यू को। यहाँ पे मैंने थिंक किया कि 169 के पास में है और प्लस 5 कर दूंगा तो मुझे 174 मिल गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये मैंने खुद से बनाया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे मैं अगर ये यूज़ करता हूँ कि एन स्क्वायर में प्लस वाई वैल्यू डालूंगा तो मुझे नेक्स्ट सम मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम में हिंट नहीं होती, मैंने पहले भी बताया कि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता जिससे हम लोग सॉल्व कर सके। तो हम लोग को बस थिंक करना होता है कि उसके बाद में कैसे ये आंसर आया करके। तो यहाँ पे मैंने थिंक किया कि 7 स्क्वायर प्लस 5 अगर मैं करूँगा तो मुझे आंसर नियर टू 54 मिल जाएगा। अगर 13 का स्क्वायर करूँगा और प्लस 5 करूँगा तो 174 मिल जाएगा, फिर 17 का स्क्वायर किया तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो बस थिंक करना है तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चलने वाला है। तो यहाँ पे तो अगर मैं समझाते रहता हूँ तो क्वेश्चन दिया रहता हूँ, तो तब तक ये ट्राई करो ना आप भी सॉल्व करने को। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना सही। तो यहाँ पे क्या करना है अभी मेरे को सॉल्व करना है, तो 144, तो 144 ये वैल्यू कैसे आई देखो, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करा है हम लोग ने, तो अगर हम लोग 1 प्लस 4 प्लस 1 वापस 4 करोगे तो आंसर कितना है, 9। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1 प्लस 196 है ना, तो 1 प्लस अगर 1 प्लस 9 प्लस 6 करता हूँ तो मुझे मिल जाती है 16 वैल्यू। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 225।
तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम आती है, इतनी सिंपल है। 2 प्लस 2 करोगे तो आंसर कितना आया, 4 आया। 4 प्लस 5 करोगे तो आंसर कितना आ रहा, 9 आया। और नेक्स्ट वाले क्या है, 324। 3 प्लस 2 करोगे तो आंसर कितना है, 5। 5 प्लस 4 करोगे तो आंसर कितना है, 9। तो सभी क्या आ रहे हैं, 9 आ रहे। बस ये बंदा है 196, जिसमें 16 आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ये हमारा ऑड नंबर आ रहा है ना, तो यही वैल्यू एक है जिसमें डिफरेंट वैल्यू आ रही है, ऑप्शन बी। तो बाकी में देखो, आप एडिशन करो, 1 प्लस 4 करो, तो ये लॉजिक यूज़ करना है कि हर टाइम स्क्वायर यूज़ नहीं करना है, क्यूब रूट यूज़ नहीं करना है। तो 1 1 प्लस 4 प्लस करोगे तो, मतलब 1 प्लस 4 प्लस 4 करोगे तो आंसर 9 मिल गया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आंसर हमारा रॉन्ग हो रहा है, तो हम लोग क्या थिंक करते हैं कि ये मेथड रॉन्ग है। बट नेक्स्ट आंसर भी ट्राई करना या लास्ट से भी देख लेना कि बराबर आता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 प्लस 2 किया तो कितना, 4 आया। 4 प्लस 5 किया तो 9 मिल गया। तो मतलब ये फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू सेम आई। तो नेक्स्ट वैल्यू चेक करो, हम लोग ने 3 प्लस 2 करे तो 5 मिल गया, 5 प्लस 4 करे तो वापस 9 मिल गया। तो सब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 9 आया, यहाँ पे भी 9 आया, और यहाँ पे भी 9 आया, बट यहाँ पे क्या 16 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये रॉन्ग नंबर है, हम लोग ने ऑप्शन बी को मार्क किया। ठीक है, ये समझ में आई ये प्रॉब्लम। जब भी कंडेंसर माइक यूज़ करना पड़ता है तो हेडफोन पहनना पड़ता है, क्योंकि बाहर का नॉइज़ बहुत आता है। समझ में आया तो यस करके उतना लिख दो, तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 91, ऑप्शन डी 121। तो इसमें एक मैं हिंट दे देता हूँ, तो आप ट्राई करो सॉल्व करने का, देखेंगे कौन पहले आंसर लिखता है। तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है। तो मैंने प्राइम नंबर नंबर सीरीज में बताया भी था, तो प्राइम नंबर होता क्या है। ओके, तो प्राइम नंबर है, तो सॉल्व करो इसका आंसर क्या है, कोई तो कमेंट में करो। कौन सा सम रिपीट करो, क्वेश्चन नंबर कौन सा रिपीट करूँ, क्वेश्चन तो ट्राई करो आंसर कौन सा आता है, मार्क कर देखेंगे कौन लिखता आंसर राइट। ऑप्शन डी, तो 71 होता है, और क्वेश्चन नंबर नहीं। तो मैंने क्या कहा था, प्राइम नंबर क्या होता है पता है ना आप सभी को। तो जो नंबर रहता है खुद से डिवाइड होता है या दूसरे से डिवाइड होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 71 है, तो 71 को छोड़ दो, 121 लो, पीछे से बताता हूँ, क्योंकि 71 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इसमें 71 है ना, ये ऑड है। तो यहाँ पे 81 है, तो 81 को हम लोग क्या लिख, कैसे लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 81 करोगे, भैया 1 इंटू 81 करोगे तो भी आंसर 81 आएगा, या 81 इंटू 1 करोगे तो भी आंसर 81 आएगा, या हम लोग 9 इंटू 9 करोगे तो भी आंसर कितना आ रहा है, 81 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये दो हो गया, तो इधर मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि 3 से ज़्यादा हो गया। तो नेक्स्ट वन वैल्यू कौन सी, 91 है। ठीक है, तो 91 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1
वन इंटू 91 करो तो भी हम लोग को मिल जाता है आंसर 91, 91 इंटू 91 करो तो भी आंसर 91, फिर 91 इंटू 1 करोगे तो भी आंसर 91 मिल गया, या 7 इंटू 13 किए तो भी आंसर आपको कितना मिल रहा है 91 मिल रहा है, या 13 इंटू 7 किए तो भी आंसर कितना मिल रहा है आपको 13 इंटू 70 भी है, 13 इंटू 7 करोगे तो आपको आंसर कितना मिला 9 मिल गया, तो नेक्स्ट आंसर कितना है 121, 121 तो सभी को बताया 11 इंटू 11 करोगे तो भी आंसर आपको कितना मिलेगा 121, या 1 तो जैसे प्रीवियस में बताया था 121 इंटू 1 करोगे तो भी 121, और 1 इंटू 121 करोगे तो भी 121 मिलता है, बट 71 एक ही बंदा है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, 1 इंटू 71 करना पड़ेगा हम लोग को, 1 इंटू 71 या 71 इंटू 1, ओके ये एक ही है जिस ये प्राइम नंबर है 71, ये बाकी सब है ना नॉर्मल नंबर है, तो जैसे ही हमने कहा कि 81 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 81 करे तो भी 81 होता है, 81 इंटू 1 करे तो भी 81 होता है, या 9 इंटू 9 किए तो भी 81 होता है, तो ये दो से ज़्यादा हो गया ना तो और भी नंबर है जिससे 81 डिवाइड होता है, ठीक है, तो 91 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 91 किए तो भी 91 आता है, या 91 इंटू 1 किए तो भी 91 आता है, और 7 इंटू 13 किए तो भी आपको आंसर कितना मिल जाएगा 91, या 13 इंटू 7 किए तो भी आंसर कितना मिल गया 91, तो इसका मतलब क्या है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो नेक्स्ट आंसर क्या है, तो 11 इंटू 11 किए तो 121 मिलता है, और उसके बाद में 121 इंटू 1 किए तो भी आपको आंसर मिल जाता है 121, और 1 इंटू 21 करे तो 121 करे तो भी आंसर मिल जाता है 121, बट 71 क्या है, बस खाली 1 से डिवाइड होता है और इटसेल्फ मतलब खुद से डिवाइड होता है, 71 इंटू 1 करोगे तो भी आंसर 1 आएगा, मतलब 71 आएगा, और 1 इंटू 71 करोगे तो भी आंसर 71 आएगा, तो ये बाकी सब नंबर है ना नहीं होते, तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में है, नेक्स्ट बताऊँ अभी तो टाइप कर देना नेक्स्ट, हाँ थोड़ा स्लो करते हैं, बहुत क्या स्लो करो, तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो बोलो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सॉल्व करना है ना, इसीलिए फास्ट हो रहा है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वंस मोर वीडियो देख लो, या क्वेश्चन पूछो तो मैं बता देता हूँ, वंस मोर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक दिन में एक एक टॉपिक किया तो ही कवर होगा, अगर ऐसा रो चलता है ना तो कवर नहीं होगा, नेक्स्ट ठीक है, तो नहीं समझ में आया तो भी बोल दो, तो एक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसमें हम आंसर आया था 9, तो सेम वैसे उसी की तरह से ये सॉल्व करो, जैसे हम लोग ने प्रीवियस सम में सॉल्व किया था ना जिसमें आंसर आया था 9, सभी में 9 आया था और एक में आया था 16, तो वही मेथड से इसको भी सॉल्व करो, ऑप्शन ए 654, ऑप्शन बी 582, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 368, तो थोड़ा फास्ट हो गया तो बोल दो स्लो करने, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो इसलिए आता है सभी, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो बोल देना थोड़ा स्लो करो तो स्लो कर दो, तो ट्राई करो, जैसे मैंने जैसे एक प्रॉब्लम बताया था जिसमें हम लोग ने प्लस किया था उसमें आंसर आया था 999 और एक का आंसर था 16, सेम है इसी में भी सेम आता है, इसमें आता है 15 और बाकी में नहीं आता है, तो देखो किस में 15 नहीं आता है वो आंसर मार्क करो, तो आंसर कौन सा आता है मार्क करो, ऑप्शन डी 6, ठीक है जिसने इसने राइट दिया उसका नाम मैं ले लूंगा अगर राइट हुआ तो, बट कमेंट्स डिलीट मत करो, तो
यहाँ पे क्या है, 6 6+5 करना है। 6+5 कितना था, 11। 11+4 करोगे तो आपका आंसर कितना है, 15, जैसे मैंने कहा था। तो नेक्स्ट आंसर क्या है, 582। तो 582 को अगर 5+8+2 करोगे तो आंसर कितना है, यहाँ पे भी 15 आया। ओके, और नेक्स्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4+8 429। तो 4+2 करोगे तो 16, 16+9 करोगे 4+2 करे तो 6 होता है, और 6+9 करोगे तो आंसर आया आपको 15। तो ऑप्शन डी कितने जनों ने दिया, तो 3 जनों ने दिया है, सकीफ मीर, आसमा बेगम, इरफान ना। अब तीनों के राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन डी क्या है, 368। तो 3+6 किया तो 9 होता है, 9+8 किया तो कितना होगा, हम लोग का आंसर आएगा, रॉन्ग होता हमारा आंसर ना, कहाँ गया वो, 3+6+8 ये 14 14+3 17। तो क्या हो रहा है, ये आंसर रॉन्ग हो रहा है, ऑप्शन डी इज आवर आंसर। आई होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो नेक्स्ट करके उतना टाइप कर देना अभी टाइम है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया तो नेक्स्ट उतना टाइप कर दो, मैं नेक्स्ट समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेवन ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी है हमारे पास 441, और ऑप्शन सी है 216, और ऑप्शन डी है 729। तो जैसे इसका मैं एक हिंट बता देता हूँ, तो उस मेथड से सॉल्व करो। तो जैसे कि हमारे पास अगर आंसर इनका आ रहा है तो ये 64 है, तो सपोज़ मेरे पास आंसर 4 है, तो मैं 4 को क्या करूँगा, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे क्यूब रूट लिखता हूँ ना ऐसा, और उसके अंदर में 4 को डालता हूँ अंदर, तो आंसर कितना है यहाँ पे मेरा, 2 आ रहा है। जैसे मतलब अगर मैं 2 को स्क्वायर करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 4। तो उसी की तरह ये भी एक स्क्वायर रूट है। ओके, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, ओके, क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर है। तो ट्राई करो इसमें से आंसर कौन सा आता है राइट। 120 तक भेजा था 120, तो ये अब 20 जाता है। ओके, ये दोनों 20 जाता है, पर बिलो 30 रहता है, 30 के अंदर ही ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो फाइंड आउट करो इसका आंसर क्या है। तो ये मेथड है, ओके, ये मेथड है, इस मेथड से आप आंसर मिल सकता है। पहले कौन सॉल्व करता देखता हूँ मैं। तो आंसर मार्क करो, अगर जिसको भी मिल गया तो कौन फर्स्ट लिखता है। तो यहाँ पे हम लोग ने, ठीक है मैं तब तक सॉल्व करता जाता हूँ, आप मेरे से पहले सॉल्व करो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे पहली बार 64 है, और 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कैसे कहा था कि 4 को अंदर लेना है, तो यहाँ पे 64, तो 64 क्या हुआ, 8 स्क्वायर करोगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा, 64। या यहाँ पे मैं 8 स्क्वायर लिखता हूँ, ओके, 8 स्क्वायर करो तो 64, और इसका क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा, क्यूब रूट करोगे तो। तो ऑप्शन सी आसमा बेगम राइट आंसर, उसके बाद मेरे को रफीक मीर राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले कहते हैं 441 था, तो 441 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 441 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 21, और नेक्स्ट वाली थी हमारे पे 216, तो 216 को अगर हम लोग क्यूब रूट करेंगे तो 6 × 6 लिखोगे तो ये आंसर आएगा, तो ऐसे आएगा नहीं ये आंसर। और 729 को अगर करना हो तो हम लोग लिखेंगे 729, तो 27 स्क्वायर,
या 27। तो ये क्या था, बस क्यूब रूट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 216 है ना, तो ये किसी का क्यूब रूट नहीं है, ये बाकी सब क्यूब रूट है। 8 स्क्वायर 21, मतलब 8 21 27, ये आंसर है। तो ये क्या हुआ, इसका हम लोग क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, तो ये रॉन्ग नंबर है, ऑड नंबर है इसमें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर मैं थोड़ा फास्ट हो गया तो बोल देना, तो थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 15। ऑप्शन ए है मेरे पास यहाँ पे, फोर ऑप्शन ए निकलिए, 4.25 2.4.25, ऑप्शन बी 6.49 49, और ऑप्शन सी इन्होंने दिया है 8.81, ऑप्शन डी। थोड़ा एडजस्ट करो स्क्रीन के बाद, 8.49 8.81 डी है 10.100। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 4.25, ऑप्शन बी है 6.49, ऑप्शन सी है 8.81, और ऑप्शन डी है 10.100। तो यहाँ पे आप सॉल्व कैसे देखो, आप कैसे सम आता है। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, 4 है, फर्स्ट वैल्यू क्या है 4.25, ठीक है। तो 4 का अगर हम लोग को लिखना हुआ, तो यहाँ पे 25 ना, तो 25 मैं एज इट इज डाउन साइड लिखता हूँ माइनस, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैं 4+1 कर रहा हूँ और उसको स्क्वायर कर रहा हूँ, तो इसका आंसर कितना आएगा, 25 माइनस 25, तो आंसर आया मेरा 0। ओके, ये एक हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट वाली क्या, ठीक है। तो ये भी आप भी ऐसा करो और आंसर निकालो जल्दी, कौन सा आंसर आता है राइट, आपको भी देखेंगे। 6.49, तो यहाँ पे 6.49 लिखूँगा मैं पहला, 49, और उसके बाद में माइनस 6 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं करूँगा 6+1 6+1, और उसको स्क्वायर, तो ये हो जाता है 49। और तो ये वैल्यू क्या होगा, 6+1 करूँगा तो 7 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो ये वैल्यू भी मेरी 0 हो रही। और नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास में 81, तो 81 एज इट इज़ मैं डाउन साइड लिख रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, और इसमें 8+1 करूँगा तो आंसर हो जाएगा मेरा 9, और 9 का जब मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे, तो ये 81, और वो भी 81 ही होता है ना, तो ये भी हो गया 0। किसी ने आंसर नहीं लिखा अभी तक। और रिमेनिंग क्या था, 10.100, तो 10.100 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस, और 10+10+1, और उसको स्क्वायर, चला गया स्क्रीन के बाहर तो भैया। अच्छा खाई गाड़ी में लगाया मैं, जल्दी से सेटिंग नहीं किया। तो यहाँ पे कितना है, ये वैल्यू 100 आती है, और 100 माइनस ये 121 होता है ना, 121, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो आंसर है -11, तो ऑप्शन डी इज अ रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज अ रॉन्ग नंबर, तो राइट दिया किसी, अस्मा बेगम बदल भाई सैयद गुल साहब ने, ठीक है राइट आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, पहले 4 है और कॉमा 25, तो हम लोग ने क्या किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 आ रहा है और 4 है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग ने 4+1 किया तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आएगा 25, तो 25 माइनस 25 किया तो आंसर कितना है 0,
एक ये आंसर हम लोग ने कैसे सॉल्व किया कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू थी, सपोज ये मेरी ए वैल्यू और बी वैल्यू, तो मैंने क्या किया, ए वैल्यू में +1 किया तो, और उसको स्क्वायर रूट किया, तो यहाँ पे कितना हुआ, सपोज यहाँ पे 25 और -25 करो तो आंसर 0। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, 6,49। तो 49 या 6 को यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि यहाँ पे पहले ही 49 लिया उसके बाद में स्क्वायर करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप कॉमा 25 है ना, तो 4 को अगर स्क्वायर, 4 + 1 उसके अंदर होल स्क्वायर -25 किए तो भी वही आंसर आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वैल्यू यहाँ पे लिखो या वहाँ पे लिखो। तो बस हम लोग को क्या करना है, उसमें एक वैल्यू ऐड करना है, उसको स्क्वायर करना है, और जो यहाँ पे कॉमा के साथ में दिया है ना उसके साथ माइनस करना है। तो आंसर सभी के कितने आ रहे, 0,0,0 आ रहे, बट एक ही बंदा है जिसका ऑप्शन नंबर डी है, 10, 10 - 10,100 है, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, -11 आ रहा है, तो ये डिफरेंट हो गया। तो बाकी सभी के कितने आ रहे हैं आंसर, 0,0,0 ही आ रहे। ठीक, तो ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको, यस और नो उतना टाइप कर देना। नेक्स्ट समझो, समझ में आई है प्रॉब्लम, तो यस और नो था टाइप कर दो। रुपए नियरली अबाउट 160+ है और प्रेजेंट कितने हो रहे, 6। वो मैक्स ऐसे ही होता है, बोर होता है थोड़ा सा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन ऑप्शन ए 1,4,16, ऑप्शन बी है 2,9,12, और ऑप्शन सी है 3,16,36, और ऑप्शन डी है 4,25,80। ओके, कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कैसे, देखो तो फर्स्ट वैल्यू रॉन्ग आंसर है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मैं इतना छोड़ देता हूँ क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ये रॉन्ग आंसर है। फर्स्ट वैल्यू रॉन्ग आंसर है, तो ये वैल्यू मैं छोड़ देता हूँ, तो बाद में ये समझा देता हूँ, क्योंकि ये आंसर मैं ये वैल्यू समझाऊंगा तो आगे का प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा इसीलिए। तो यहाँ कौन सा 2,9,12 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 को स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, 2 को स्क्वायर कर रहा हूँ और 9 को क्यूब रूट कर रहा हूँ, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे मुझे, तो 4 × 3 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, और 9 को क्यूब रूट करोगे तो आंसर कितना है, 3। तो यहाँ पे आंसर कितना है, कॉमन में 12 है, ठीक है, कॉमन में आंसर कितना है, 12 है, यहाँ पे देख सकते हो ना, तो यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे 12 है, तो हम लोग को आंसर 12 मिल गया। तो इसी तरीके से अगर हम लोग अगर देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी राइट होता है या नहीं, में यहाँ क्या है, 3,16,36 है, ओके, तो 3 को स्क्वायर करना है, उसके बाद में इंटू यहाँ पे 16 को क्यूब रूट लेना है, तो 16 का क्यूब रूट हुआ 4 और 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 × 4 करोगे तो आंसर कितना है, 36। तो यहाँ पे 36 वैल्यू थी, हम लोग को मिल गई 36। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4,25, उसके बाद में 80, तो 4 को स्क्वायर करना है और 20 × 5 का क्यूब रूट लेना है ना, 25 का, तो 5, 25, तो 4 स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और 5 करोगे तो आंसर आपको 80 मिल जाएगा। बट ये फर्स्ट कंडीशन में वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या करना है, 1 स्क्वायर × 4, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 का 1 ही होगा, और 2, ये आंसर आया मेरा 2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये रॉन्ग आंसर है।
तो जीमेट का होता है लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन रहता है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो सभी एक ही तरीके के सम्स नहीं आते। तो इसमें क्या है इन्होंने दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1,4,16 है, और ऑप्शन बी क्या दिया है उन्होंने, 2,9,12, और ऑप्शन सी है 3,16,36, और ऑप्शन डी है 4,25,80। तो हम लोग ने क्या किया है, तो वैल्यूज़ लिया है एज इट इज़, डाउन साइड लेने सभी और ट्राई करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 16 है, तो हम लोग ने क्या किया है, 1 को स्क्वेयर किया, और ये फर्स्ट वैल्यू छोड़ दो, सेकंड से दिखाता हूँ क्योंकि फर्स्ट वैल्यू लॉन्ग होती है इसलिए। तो यहाँ पे 2 है और 9 है, 12 है, तो 2 को क्या करना है, स्क्वायर करना है, और 9 को क्या करना है, क्यूब रूट लेना है। तो 2 का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 4 आया, और 4 × 3 करोगे तो आंसर कितना है, 12। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 3,16,36 है। 3 को हम लोग, 3 को हम लोग अगर स्क्वायर, तो 3 को हम लोग स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना है, 9 आया, और 16 को अगर क्यूब रूट लेंगे तो आंसर हम लोग को कितना मिलता है, यहाँ पे आता है 9 × 4 करोगे तो 36, ये वैल्यू भी मिल गई। तो 3,9,36 ऐसे इन्होंने ऐसे इस तरीके से लिखा है। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4,25,80, तो 4 × 4 का स्क्वायर करें तो 16 मिलता है, और क्यूब रूट ऑफ 25 करोगे तो 5 मिल जाएगा, 16 × 5 करोगे तो आंसर आया आपको 80। तो हम लोग को सभी यहाँ पे जो मतलब 1,4 ये एक ही वैल्यू है जिसमें हम लोग को आंसर 2 मिल रहा है, मतलब 1,4,2 रहता तो ये वैल्यू राइट होती, तो इसकी वजह से ये ऑड हो रहा है। तो बाकी सब में आप देखो तो 2,9 में हम लोग को 12 वैल्यू मिल गई, और 3,16 वैल्यू में भी 36 मिल गया, और 4,80 में भी हम लोग को 80 वैल्यू मिल गई, सभी में वैल्यू मिल रही इस मेथड से, बट ये एक ही है फर्स्ट वन जिसमें हम लोग को ये आंसर नहीं मिल रहा है। तो ये आंसर सभी को समझ में आया तो यस कर दो, और एक प्रॉब्लम बोलता हूँ फिर उसके बाद स्टॉप। टू का स्क्वायर एंड टू को स्क्वायर एंड 9 को ऐसा क्यों करना, तो हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग को वैल्यू लेके आने को किसी तरह, जैसे हम लोग ने प्रीवियस सम में क्या किया, 1 + 2 + 1 किया, बाद में एक प्रॉब्लम में 15 वैल्यू लेके आए, तो उसमें 4 + जैसे यहाँ प्रीवियस था, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो एक ही मेथ नेट कनेक्शन, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जिससे हम लोग ट्राई कर सकते हैं, तो एक ही मेथड से सभी आंसर नहीं आ सकते। तो इसमें हम लोग को क्या, यहाँ पे 4,25 दिया है, तो इस मेथड से हम लोग ने सॉल्व किया इसको प्रॉब्लम, बस हम लोग को वैल्यू लेके आना है कि इसमें से ऑड वैल्यू कौन सा है। इसमें क्या हुआ, खाली हम लोग ने क्यूब रूट लिया, और इसमें क्या करा, बस एडिशन किया। तो उसी तरीके से इसमें से हम लोग अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्जर्व करना हम लोग को ये क्वेश्चन कैसे आया करके। तो यहाँ पे 1,4 है, तो अगर हम लोग 1 + 4 करोगे तो 5 होता है, 5 को स्क्वायर करोगे तो 25, तो ये 16 वैल्यू नहीं आ रही, बट 16 हम लोग को वैल्यू लेके आना है। तो किस तरीके से हम लोग वैल्यू लेके आ सकते हैं वो ट्राई करना है। अब यहाँ पे 3 है फिर 16 है, अगर मैं 3 को तो यहाँ पे क्या है, 3 को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ और 16 को अगर मैं क्यूब रूट करता हूँ, तो मुझे वैल्यू कितना मिलता है, 9 × 9 मिलता है और 4 मिलता है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो इनका मेरे को मिल जाता है 36। ओके, तो ये एक वैल्यू मुझे ऐसे मिल गई, तो मेरे को चेक करना है कि नेक्स्ट वैल्यू मिलता है नहीं, 2 और 9 है यहाँ पे, तो 2 को स्क्वायर किया और 9 को क्यूब किया तो मुझे कितने वैल्यू मिल गई, यहाँ पे 4 और 3 मिल गए, तो 4 × 3 किया तो मुझे 12 मिल गया। तो ऑब्जर्व करना कि एक तो हो सकता है बीच का नंबर हो सकता है, एक तो लास्ट नंबर हो सकता है, या फर्स्ट नंबर भी हो सकता है, कौन सा भी नंबर, एक ऑब्जर्व कर लेते जाना। क्वेश्चन नंबर तो इजी समझता हूँ भी, तो ये ट्राई करो, बहुत इजी समय है। नेक्स्ट, तो आप सभी सुबह उठने के साथ में आईना देखते हो, ओके, तो उसमें अगर आप लेफ्ट हैंड उठाते हो तो उस साइड से कौन सा होता है, राइट हैंड होता है। तो सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड उठाए तो कभी कभी आप कैमरा यूज़ कर रहे हो तो वो राइट हैंड दिखाता है। तो उसी तरीके से अगर मिरर में हम लोग कभी कभी देखते हैं तो लेफ्ट हैंड हम लोग को उस साइड से क्या दिखता है, राइट हैंड। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन बेस है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे कौन इसका आंसर लिखता है। तो मैं हिंट भी लिख दूंगा, तो उस बेस पे सॉल्व कर देना। ऑप्शन ए है मेरे पास 4,26, ऑप्शन बी है मेरे पास
7.94, और ऑप्शन सी है 5.52, और ऑप्शन डी है 6.63। तो आज के दिन हैंडराइटिंग एडजस्ट कर लो, वो पेन सेट नहीं हो रहा। तो यहाँ जैसे मैंने कहा था कि एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिख जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है 81 है, सपोज़ 81 है, तो इसको अगर मैं मिरर में ऐसा देखता हूँ, तो मिरर में अगर देखूँगा इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 आएगा फिर 18 आएगा। ओके, तो 8 कहाँ चला गया, उस साइड चला गया, 1 कहाँ गया, फर्स्ट आ गया। ओके, जो लास्ट होता है वो फर्स्ट होता है, और जो फर्स्ट होता है वो लास्ट होता है, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। ओके, तो ट्राई करो, बहुत ईजी है, खाली स्क्वायर रूट है, बस स्क्वायर रूट है। ओके, तो हिंट भी बता दिया, ये स्क्वायर रूट्स है, और उसको मिरर कर दो तो आंसर मिल जाएगा। तो देखेंगे कौन लिखता है फर्स्ट आंसर इसका। फोन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रॉन्ग है। ऑप्शन डी रॉन्ग आंसर है, आपका रॉन्ग आंसर है। ट्राई कर जल्दी ली, यहाँ पे फर्स्ट वाली ही रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखो क्या है, पहला ऑप्शन डी क्या है, यहाँ पे 6.63 है। तो अगर मैं 6 को क्यूब स्क्वायर करता हूँ, तो 6 का स्क्वायर कितना है, 36। 6 का स्क्वायर कितना है, 36 है ना, 36। और इसका मिरर इमेज क्या है, 63। जो फर्स्ट ही वो लास्ट में चली जाएगी, जो लास्ट ही वो फर्स्ट में आ जाएगी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, शाकिफ मेरा राइट है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये गलत वैल्यू है। तो यहाँ मैं उल्टा चला गया, उल्टे से देखो, तो यहाँ पे क्या है, 5 है, फिर उसके बाद में 52 है ना, तो ये क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 25। और इसका मिरर कितना, जो फर्स्ट होगा वो लास्ट होगा, तो 52। तो ये वैल्यू भी हम लोग को मिल गई। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी है, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्या है, 7.94। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आया, 49 आया, और 49 का अगर मिरर में देखोगे तो 94 दिखेगा। और ऑप्शन ए कितना है, 4.26। तो 4 का स्क्वायर है 16, आंसर आना चाहिए था 61, बट आंसर कितना आ रहा है, 26। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर। इसमें बेगम रॉन्ग आंसर, आपका सी नहीं आता, ए आता आंसर, रजाक भाई रॉन्ग आंसर। तो हो सके तो आप डिलीट करके कुछ नहीं मिलने वाला आंसर, मैंने वीडियो में बोल दिया, पता क्या है किसने पहन लिया। तो सभी जन अपने अपने नाम लिखो, क्या क्या है आपके नाम, तो मुझे पता तो चले कौन सा आईडी से कौन लिख रहा है करके। बस अपने नाम टाइप करो, और कौन से प्लेस से उतना टाइप कर देना, नाम और प्लेस उतना टाइप कर दो इसमें कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ए ऑप्शन ए क्या है, 4.26, ऑप्शन बी क्या है, 7.94, ऑप्शन सी क्या है, 5.52, और ऑप्शन डी क्या है, 6.63। तो अगर हम लोग सीधे से ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे हम लोग अगर उल्टा करके देखें, तो 5 क्या है, 5 का स्क्वायर कितना था, 25। तो यहाँ पे कितना उन्होंने लिखा है, 25। इस तरीके से जो फर्स्ट वैल्यू थी वो लास्ट में चली गई, और लास्ट वैल्यू थी फर्स्ट में आ गई। और 7 का स्क्वायर कितना है, 49, तो 49 ऐसा है उन्होंने 94 कर दिया। यहाँ पे जैसे लिखा हो ना, 49, 94, 25, 52, और 16 का क्या है, यहाँ पे ये रॉन्ग है, ऑप्शन ये था, 36 का था, 63, 3663। ओके, सुले पेट, और बाकी जन कहाँ कहाँ से बोल, मुझे भी पता चले कहाँ कहाँ से देखे सभी जन, अपना नाम और गाँव का होता नाम होता लिख दो। क्या क्या लिखते हो नेक्स्ट, खाइए लास्ट प्रॉब्लम, उसके बाद लास्ट, तो ये लास्ट प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ। ओके, इजी है, सॉरी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लास्ट है, इसके अंदर में बस फिक अल्फिया जमकंडी।
तो सभी को बुलाओ ना अली को यार, आधे जन लेते आधे जन लेते नहीं, चीटिंग है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लो फिर आंसर ना देने के लिए। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, 2,3,17, और ऑप्शन बी है 3,4,43, और ऑप्शन सी है यहाँ पे 4,5,141, और ऑप्शन डी है 5,6,61। तो सभी जन लेट ज्वाइन होता है इसलिए थोड़ी देर और। रजाक भाई नाम तो लिख दे भाई, बोलना चाचा कर ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करें, तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे आंसर आता है। तो यहाँ पे 2,3,17 है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक और से करो, 2 को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 2 को क्या करना है, क्यूब करना है। ओके 2 को क्यूब कर रहा हूँ और 3 को स्क्वायर करूँगा। 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है, 8 प्लस 9 करूँगा तो आंसर कितना मिल गया, 17। ओके तो फर्स्ट वैल्यू मैंने सॉल्व किया हूँ, तो जल्दी जल्दी से अब आगे की वैल्यू सॉल्व करो। तो फर्स्ट वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो आगे की वैल्यू आप सॉल्व करो और आंसर लिखो क्या क्या है। तो जल्दी जल्दी से सॉल्व करो आंसर देखेंगे किसका आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, तो मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पे 2 है, फिर 3, फिर 17। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, फर्स्ट तो 2 को क्यूब किया है और प्लस 3 को स्क्वायर किया। तो 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है, और उसके बाद में 3 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना है, 9। ठीक है, तो उसी मेथड से हम लोग को आगे के भी सम सॉल्व करना, मतलब आगे का ऑप्शन। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया। 3,4, ये ऑप्शन बी यहाँ पे लिखता हूँ, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ा था ना पहला, 3 क्यूब प्लस 4 को स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना है, 27 है ना, 27 प्लस अगर हम 4 का स्क्वायर कितना है, 16, और इसका वैल्यू कितना आती है, 43। तो सेकेंड वैल्यू भी हम लोग को मिल गई, ऑप्शन सी। देखो 4 को स्क्वायर करने का है, 4 को क्यूब करना है ना, 4 को क्यूब करना है और 5 को स्क्वायर करना है। तो 4 का क्यूब कितना है, 64 है, और 5 का क्यूब कितना है, 25। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 89। तो 89 आई वैल्यू, तो ऑप्शन सी इज़ अ रॉन्ग आंसर। तो किसी ने दिया है क्या आंसर, मोहम्मद इस्माइल इज लिखा भाई आपने, मोहम्मद इस्माइल सी राइट आंसर आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है देख लो एकदम, यहाँ पे 5 को क्यूब कर रहा हूँ उसके बाद में 6 को स्क्वायर, तो 5 का क्यूब है 125 प्लस 6 का स्क्वायर है 36, तो इसका आंसर आता है 161। तो बस एक ही वैल्यू है जिसका आंसर हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन सी है। ठीक है, समझ में आया है आपको। तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ऑप्शन ए के हमारे पास 2,3,17 है। तो हम लोग ने कैसे लिखा है, तो वो जो फर्स्ट वैल्यू है उसको क्यूब करना है और सेकेंड वैल्यू को स्क्वायर करना है और उसके बाद में ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास में 2,3,17, 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 2 है ना, तो 2 को क्यूब करोगे तो आंसर कितना है, 8 है, और 3 को स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना है, 9 आया, एंड करोगे उनका सम कितना है, 17। तो नेक्स्ट वैल्यू थी हमारे ऑप्शन बी, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ तो 3,4,43। एक सेकेंड, नेट स्लो हो गया। तो 3
तो 3 को स्क्वायर क्यूब क्यों, 3 का क्यूब कितना है 27। ओके तो यहाँ पे 3 का क्यूब है 27, ठीक है 27 आता 3 का क्यूब, और प्लस 16 करोगे तो आंसर कितना है 43। 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो आंसर कितना है 43। तो ऑप्शन सी में क्या था, 4 को क्यूब किया प्लस 5 किया, 5 को स्क्वायर किया बाद में 64, 64 प्लस 25 करोगे तो आंसर आया 89। तो बट आंसर कितना आना चाहिए था मेरा 141, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑप्शन सी इज़ अ रॉन्ग आंसर। तो बाकी में सब में वैल्यू मिल रही है और बट इसमें नहीं मिल रही है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑप्शन सी इज़ अ रॉन्ग आंसर। और ऑप्शन डी देखो, 5 को क्यूब किया तो आंसर कितना है 125, 125 प्लस 6 का स्क्वायर है 6, यहाँ पे स्क्वायर है कितना, 36, तो 6 का स्क्वायर कितना है 36, तो आंसर कितना है 161। ओके तो सभी को समझ में आए ये सॉल्व सब हम लोग ने किस तरह के सॉल्व किया, तो यस उतना लिख दो फिर बस आज के लिए 940 है। तो कल क्लास नहीं लिया था ना इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। तो ऑड नंबर्स समझ में आया आपको, तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है ना मैं रिवीजन क्लास में सॉल्व करूँगा, क्योंकि वहाँ पे सब मिक्स बाजी होती है ना तब मज़ा आता है। तो समझ में आया तो बस करके उतना लिख दो BS, या स्टॉप करके उतना लिख दो, या कौन सा प्रॉब्लम समझाना है वो उतना लिख दो। अभी तक कितने हम लोग ने सॉल्व किया ना, तो कौन सा प्रॉब्लम है जो अभी तक समझ में नहीं आया वो एक्सप्लेन करना है तो ना बस कमेंट कर देना, तो समझ में आया तो आप लीव कर सकते हो क्लास, जो नहीं समझ में आया प्रॉब्लम बता दो वो उतना समझाता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए ना, तो वो प्रॉब्लम में से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है तो नहीं समझ में आया वो बोल दो। तो इतने सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए, तो इसमें से कौन सा प्रॉब्लम 43 प्रॉब्लम्स है, तो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो समझ में आए तो बस लिख देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई कमेंट नहीं कर रहा है नहीं समझ में आया करके, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ।